हेलो नमस्कार दोस्तों, राजस्थान के सिरोही समाचार में आपका स्वागत है। सिरोही के पालड़ी एम थाना क्षेत्र के एक गांव में मकान मरम्मत कार्य करने आया एक युवक मकान मालिक की बेटी को भगा ले जाने का बड़ा ही मामला देखने को मिल रहा है। आरोपी पिछले 2 महीने से मकान में प्लास्टर करने का काम कर रहा था। इसी दौरान पालड़ी एम थाने के हेड कांस्टेबल गोविंद लाल ने बताया कि एक युवक थाने में 4 अक्टूबर को मामला दर्ज कराया है। रिपोर्ट में बताया कि उसके 2 मकानों में दीपू सिंह नाम का एक युवक प्लास्टर करने आया था। प्लास्टर के दौरान उसकी बेटी उस व्यक्ति के संपर्क में थी। प्लास्टर करने वाला युवक उसकी बेटी को 3 अक्टूबर को सुबह करीब 11 बजे लेकर कहीं चला गया था। वह 11वीं तक पढ़ी लिखी है और मकान मालिक ने बताया कि दीपू सिंह उसके घर में पिछले 2 महीने से काम कर रहा था। उसके अलावा उसे कुछ नहीं पता वह कौन है और कहां से आया है। पुलिस को पता चला कि दीपू सिंह पुत्र पप्पू सिंह हुदेर पिछले 12 साल से जवाई रेलवे स्टेशन के आसपास रहकर प्लास्टर का काम करता है। जवाई बांध रेलवे स्टेशन आसपास पहुंचकर दीपू सिंह की फोटो दिखाकर लोगों से पूछताछ की जा रही है। ऐसे में पुलिस अभी तफ्तीश कर रही है। सो दोस्तों, बड़ी खबर थी। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करते हुए कमेंट में अपनी राय जरूर दें।